दिल को छू लेने वाली एक खूबसूरत दो भाइयों की कहानी। इस कहानी को सुनकर आप भी कहेंगे, वाह इतनी प्यारी इतनी सुंदर कहानी। चारों तरफ इतनी नफरत फैली है, अहिंसा है, उसके बीच ये कहानी आपको हंसाएगी। वो कहते हैं ना दिल को सुकून मिलना, तो चलिए आपको भी इन दो भाइयों की नगरी में ले चलूं। पूरी कहानी सुने, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट पक्के से कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। 2019 की तमिल लैंग्वेज मूवी द क्रोज एग, ओरिजिनल नेम कक्का मुतई, डायरेक्टर एम मणिकंदन, आईएमडीबी रेटिंग 8.3। चेन्नई की झुग्गी झोपड़ी में दो भाई पेरियार और चन्ना अपनी माँ और दादी के साथ रहते हैं। सुबह खाने में एक सब्जी और चावल परोसते हुए दादी ने देखा कि पेरियार ने अपनी थाली से एक मुट्ठी चावल जेब में भर ली। इस बात से बेखबर उनकी माँ अपनी सास से बोल रही है, बच्चों के पति को जेल से छुड़ाने के लिए वकील 30,000 मांग रहा है, मगर थैली में सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं। किसी तरह तो लिफ्ट मांग कर आज उनसे मिलने चली जाऊंगी। मगर सास अपने बेटे से नाराज है, उसने साथ जाने से मना कर दिया। इधर पेरियार भी चन्ना के साथ मैदान निकल गया, लेकिन बाकी बच्चों की तरह उनका ध्यान खेलने में नहीं बल्कि किसी और चीज में है। इसके बाद पेरियार ने अपनी जेब से वही चावल निकाली और एक ऊंची जगह पर रख दी, फिर पेड़ पर चढ़कर इंतजार करने लगी। उस पेड़ पर कौवे का घोंसला है जिसमें 3 अंडे हैं। जैसे ही कौवा का जोड़ा चावल खाने उतरा, इंतजार कर रहा पेरियार ने 3 अंडों में से 2 उठा लिए और एक वही कौवे के लिए भी छोड़ दिया। कितनी अच्छी सीख यहाँ हमें सीखने को मिलती है कि कम में संतुष्ट हो जाना। अंडों को खाकर दोनों भाइयों की खुशी चेहरे से झलक रही है, जैसे इससे लजीज चीज उन्होंने कभी खाई ही नहीं। इतने में उनकी माँ पड़ोसी के रिक्शे में सवार दोनों को लेने पहुंची। वो सभी बाबा से मिलने जेल जा रहे हैं, मगर बच्चों को बाहर ही रुकना पड़ा। पिता ने घर का हालचाल पूछा, माँ ने झूठ कह दिया, सास तो आना चाहती थी, मैं ही नहीं ले आई, बूढ़ी है परेशान हो जाएंगी। फिर उसे जब बाहर खिड़की से बच्चों की आवाज आई, वो चिल्लाकर उनका हालचाल पूछने लगा और पेरियार चन्ना इधर बाहर से ही आवाज देकर उनका जवाब दे रहे हैं। उसे ये जानकर दुख हुआ कि जेल हो जाने से घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, इसीलिए बच्चों के स्कूल छुड़वा दिए गए। अब दोनों बच्चे रेल की बिछी पटरियों पर से गिरे कोयले जमा करके बेचते हैं, उसी से घर का खर्चा चलता है। पेरियार अपने छोटे भाई को एक किनारे खड़ा कर मालगाड़ी से गिरे कोयले जमा कर बोरे में भरता है। जब उठाने लायक कोयले जमा हो जाते तो दोनों उसे बेचने बाजार की तरफ चल देते। 1 किलो का 3 रुपए मिलता है। पास बैठे चौकीदार भी उन्हें रोज यहाँ आते जाते देखता है। रास्ते में वो एक उन्हीं की उम्र के लड़के से मिला करते हैं जिसका नाम शिबू है। उसके पास ऐसे महंगे खिलौने हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखे। शिबू और पेरियार दोनों की ही दुनिया इतनी अलग है कि दोनों को ही एक दूसरे को लेकर एक कौतूहल जिज्ञासा है। अब दोनों भाई रास्ते में एक दुकान के बाहर लगे टीवी को खड़े होकर देखने लगे और घर जाकर माँ से एक टीवी ला देने को कहते हैं। माँ ने हंसकर टाल दिया। उनकी माँ भी एक बर्तन कटाई की दुकान में काम करती है। उसे परेशान देखकर उसकी सहेली बोली, 30,000 कोई छोटी रकम नहीं है, कहाँ से जुटाएगी, जाकर इस इलाके के मंत्री से बात कर, शायद कुछ हो। बात सुनकर वो वहाँ गई भी लेकिन मिल ना सकी। अब यहाँ जिस मैदान में बच्चे खेला करते थे, जहाँ कौवे का घोंसला वाला पेड़ भी है, वो जमीन किसी बड़े आदमी ने मॉल बनाने के लिए खरीद ली है। अब पेरियार और चन्ना कभी कौवे के अंडे नहीं खा पाएंगे। ये सोचते हुए मायूस होकर दोनों घर की ओर चल दिए। दादी और माँ को जब ये बात पता चली, दादी बोली, कोई बात नहीं, मंदिर के पास जो पेड़ है वहाँ भी तो कौवे अंडे देती है। मगर माँ दादी को बच्चों की तरफदारी करने पर नाराज होती है। अब कुछ दिनों में इलेक्शन नजदीक आने से सरकार घर घर पर टीवी मुहैया करवाती है, जिससे बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन केबल कनेक्शन गैर कानूनी होने की वजह से वो कभी साफ टीवी नहीं देख पाते, फिर भी खुश है। ऐसे महीनों गुजर गए और एक दिन उसी कौवे के पेड़ वाले मैदान में एक पिज्जा की दुकान खुली। सारे बच्चे उस दिन वहाँ इतने खुश है जैसे उन्हीं की दुकान हो। मगर किसी को पेरियार और चन्ना की क्या परवाह, वो तो रास्ते में नंगे दौड़ने वाले बच्चे हैं। पेरियार और चन्ना ने वहाँ के लोगों को
गोल गोल मोटी मोटी लजीज रोटियां खाते देखी। घर आकर भी टीवी में उसी का विज्ञापन दिखा रहा है। चन्ना के मुंह में तो पानी आ गया। वो माँ से बोला, माँ मुझे भी पिज्जा खाना है। माँ ने डांट कर चुप कराते हुए कहा, बाप जेल में है और इन्हें पिज्जा खाना है। दोनों बच्चे गुस्से में घर से निकल गए। वो मोड़ पर गए ही थे कि एक पिज्जा वाला वहाँ खड़ा दिखा। उसे मेन रोड तक जाने का रास्ता नहीं मालूम। पेरियार बोला, एक बार पिज्जा खोलकर दिखाओगे तो तुम्हें निकलने का आसान रास्ता बता दूंगा। कुछ सोचकर डिलीवरी बॉय ने पिज्जा का डब्बा उनके सामने खोला और उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और पिज्जा से आती लाजवाब खुशबू ने उनका मन अंदर तक ललचा दिया। जैसे वो देख तो रहे हैं पर खा नहीं सकते। फिर डिलीवरी बॉय ने तुरंत डब्बे का ढक्कन बंद किया और बताए हुए रास्ते पर बाइक मोड़ दी। पिज्जा खाने की कोई तरकीब निकालने के लिए वो पिज्जा के विज्ञापन वाले कागज लेकर पहले उस रेल के पटरी वाले चौकीदार के पास गए। उसने कहा, ये तो 300 रुपए का है, इतना तो तुम दोनों मिलकर एक महीने में कमाते होगे। निराश होकर वो एक दोस्त के यहाँ गए। उसने कहा, यहाँ पर जो नंबर लिखा है उस पे फोन लगाने पे वो तुम्हारे घर पे पिज्जा देने आ जाएगा। अब पेरियार ने फोन बूथ से पिज्जा की दुकान पर फोन घुमाया, ये सोचकर कि कल जो डिलीवरी वाले भैया मिले थे उनसे कहेंगे कि हम धीरे धीरे एक महीने में पिज्जा के पैसे चुका देंगे, मगर उल्टी तरफ से घर का पता, हाउस नंबर वगैरह पूछने लगे। उन्हें तो सिर्फ ये मालूम है कि वो मंदिर के पास रहते हैं। पेरियार ने घबरा कर फोन रख दिया। अब घर आकर वो दादी से पता पूछने लगे, क्योंकि अगर माँ सुन लेगी तो बहुत डांटेगी। दादी को जब पूरी बात पता चली तो उन्होंने अपनी थैली से 20-30 रुपए निकाल कर उन्हें दिए और कुछ सामान ले आने को कहा। आज दादी उनके लिए पिज्जा बनाएगी। चन्ना भाग कर दुकान से टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च ले आया। दादी चूल्हे के सामने पिज्जा की तस्वीर देखकर पिज्जा बना रही है और दोनों बच्चे बड़ी बेसब्री से पिज्जा के पकने का इंतजार। जब उन्होंने मुंह में एक निवाला लिया तो वो समझ गए कि ये तो पिज्जा नहीं है। पिज्जा ऐसा थोड़ी होता है दादी, क्या कर दोनों पैर पटकते हुए घर से निकल गए। अब बच्चे जब दोबारा उस चौकीदार के पास पहुंचे, वो समझ गया कि ये बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे। वो उन्हें गोदाम में रखे पुराने कोयले के ढेर पे ले गया और कहा, ये बेचकर तुम जल्दी पैसे जमा लोगे। बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अब वो दिन में 4-5 चक्कर कोयले के दुकान पे कोयला लेकर लगाने लगे और आते जाते उस दुकान को निहारते रहते। जैसे तैसे पैसे इकट्ठे हो गए और अब पिज्जा की दुकान के सामने खड़े हैं। मगर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें डांट कर भगा दिया। दोनों मन छोटा करके वापस चले आए। उन्हें समझ नहीं आया आखिर उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया, उनके पास तो पैसे भी थे। चौकीदार बोला, क्योंकि तुमने मैले कपड़े पहने हैं, पाँव में जूते नहीं है। रात में सोते हुए दोनों भाई माँ और दादी को कहते सुन रहे हैं कि बाबा के वकील ने आज तक इतने पैसे लिए मगर उनके लौटने के कोई आसार नहीं, पता नहीं कब तक देते रहना होगा। अब एक दिन शिबू उनके लिए पिज्जा का एक टुकड़ा टिफिन में लाया है, लेकिन पेरियार ने ना खुद खाया ना ही चन्ना को खाने दिया। वो बोला, मैं खुद अच्छे कपड़े खरीदूंगा और फिर उसे पहनकर पिज्जा खाने जाऊंगा, और उसके पैसे जुटाने में लग गया। एक दिन कोयला खरीदने वाला आदमी शराब पीकर सड़क पर पड़ा मिला। पेरियार और चन्ना अपने खिलौने वाली गाड़ी में उसे बिठा कर खींचते हुए घर ले गए। उसकी बीवी ने खुश होकर उसे 10 रुपए दिए। इससे वो बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि इस तरह से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अब कोयला बेचने के बाद शाम को वो शराब के ठेके में खड़े हैं कि कहीं किसी को घर छोड़ने की नौबत आए तो उसके बदले में पैसे मिलेंगे। मगर पहला ग्राहक जैसे ही खिलौने वाली गाड़ी में बैठा वो टूट गया। दोनों भाई सर पर पैर रखकर भागे। वो खूब इधर उधर से जल्दी पैसे कमाने की तरकीब लगाने लगे। एक बार तो गुजरने वाले ट्रेन के दरवाजे पर बैठे मोबाइल में मगन लोगों के फोन छीनने का भी ख्याल आया, जैसे झुक्के झोपड़ी के बाकी बच्चे करते हैं। पर इन दो भाइयों में कोई बात तो है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है, उनके मन की आवाज। और इसी आवाज ने उन्हें आज ये गलत काम करने से रोक लिया। एक सुबह दांत माँजते हुए चन्ना के दिमाग की घंटी बजी और बड़े भाई से बोला, शिबू का कुत्ता 25,000 का है, क्यों ना हम भी अपने कुत्ते को बेच दे। फिर क्या,
सड़क की रुकी ट्रैफिक में कुत्ते को गोद में ले लेकर उसे बेचने की कोशिश करने लगी, मगर लोगों ने दाम सुन उन्हें डांटकर भगा दिया। भोले बच्चे, मालूम भी नहीं कि 25,000 कितने होते हैं। जब किसी भी तरह बात नहीं बनी तो उन्होंने तय किया कि अब वो मेहनत करके पैसे कमाएंगे। पेरियार लोगों के घरों तक पानी के मटके पहुंचाता और छोटा भाई 1, 2, 3 उंगलियों पर गिनता कि कितने मटके हुए। कभी वो दीवारों पे लगी पुराने पोस्टर निकालने का काम करते, कभी सड़क पर इश्तिहार बांटते। अब तक कुछ 120 रुपए जमा हुए हैं और 80 रुपए होने पे पूरे 200 हो जाएंगे। फिर वो सिटी सेंटर में कपड़े खरीदने जाएंगे। कितना भोला मन है इनका, कितनी लगन है। अब एक दिन पैसे गिनने बैठे तो पाया कि 200 से 30 रुपए ज्यादा जमा हो गए और अगले ही दिन 20 रुपए बस का किराया देकर शान से बैठकर सिटी सेंटर कपड़े खरीदने निकले। पर जैसे ही वो मॉल के सामने पहुंचे, इतनी बड़ी इमारत की चकाचौंध देख उनकी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। वो घंटों बाहर बैठकर अंदर जाने की हिम्मत जुटाने लगे। तभी एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ ढेर सारी शॉपिंग कर बाहर निकला। उसके बच्चे पानी पूरी खाने की जिद कर रहे हैं, जिसपे आदमी बोला, ये भी कोई खाने की चीज है, कल जो फल मैंने लाए थे वो खाना। तभी उसे याद आया कि मोबाइल तो काउंटर पर ही छूट गया है। वो तुरंत लेने भागा। इतनी देर से सब कुछ देख रहा पेरियार उन बच्चों से बोला, मैं तुम्हें ये खाने के पैसे दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें तुम्हारे खरीदे कपड़े बेचने होंगे। बात बन गई। उन बच्चों ने नए कपड़ों का बैग उन्हें थमाकर पानी पूरी खाने में मग्न हो गए। एक प्यारा सा सौदा दोनों बच्चों में हुआ, जिसमें ये नहीं देखा गया कि किसे कितना ज्यादा मिल रहा है, बस एक दूसरे की ख्वाहिशें पूरी की गई। अब बस में ही कपड़े बदलकर पेरियार और चन्ना ठाट से अपनी बस्ती घुसे। सारे बच्चों ने उन्हें देखते ही घेर लिया। अब वो पिज्जा खाने चले। आज तो उन्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी बच्चे उनकी वीडियो बनाने लगे, मगर आज भी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। शोर शराबा होने पर वहां का मैनेजर बाहर आया और पेरियार को एक तमाचा जड़ दिया, जिसकी गूंज उसके अंदर तक पहुंची। पेरियार और कुछ ना कह सका। वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, पर आज का धक्का जोरदार था। उसे वक्त लगेगा उभरने में। बड़े भाई को यू देख 5 साल का चन्ना को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पेरियार रोता हुआ वहां से निकल गया। जब वो घर पहुंचे तो एक और मनहूस खबर उनका इंतजार कर रही थी, दादी नहीं रही। दोनों भाई माँ से लिपटकर बहुत रोए। अब इधर अंतिम संस्कार के लिए पैसे कम पड़ गए तो पेरियार ने पिज्जा के जमाई पैसे दे दिए। कितनी अजीब बात है ना, ये पैसे किस काम के लिए थे और कहाँ खर्च हुए। दादी ने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए तो विदाई के समय उनके पोते की मेहनत के पैसों से वो विदा हुई। सारा काम खत्म हुआ। अब वो एक कमरे के घर में 4 से 3 लोग हो गए। दादी भले ही बूढ़ी थी, पर एक बुजुर्ग का हाथ तो इस घर पर बना था। अगले दिन झोपड़ी के बच्चे उस वीडियो को देखकर मजा ले रहे हैं। इतने में वहीं रहने वाले रमेश और बाबू ने वो वीडियो देख ली। उनके हाथ में तो जैसे सोने की खदान लग गई। वो तुरंत पिज्जा दुकान के मालिक के पास गए और वीडियो दिखाकर बोला, आपके मैनेजर की वजह से आपकी बहुत बदनामी हो सकती है अगर हमने ये वीडियो न्यूज चैनल वालों को बेच दी। इसीलिए अच्छा होगा कि हम कुछ ले देकर बात यहीं निपटा ले। मालिक ने उन्हें बाद में आने को कहा और फिर मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई, जिसमें से एक वकील भी है। वो बोला, इन झुग्गी झोपड़ी वाले को मारना, वो भी हमारे पिज्जा शॉप के सामने, ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर किसी चैनल वाले को इसकी भनक तक लग गई। ये लोग छोटे मोटे गुंडे हैं, थोड़ा पैसा देकर बात रफा दफा करो, क्योंकि जितने बड़े लोगों को इसका पता चलेगा उतनी ही बड़ी रकम बात को दबाने के देने होंगे। अब रमेश को पिज्जा मालिक के वकील का फोन आया। रमेश ने सोचा 3-5 हजार मिल जाए तो भी वो वीडियो उन्हें दे देगा, मगर सामने से जब उसे 1 लाख देने की बात कही गई, थोड़ी देर के लिए तो उसे समझ नहीं आया कि क्या उसने ठीक सुना भी। लेकिन उसने सामने खड़े दोस्त बाबू को झूठ कहा कि बात 6 हजार में तय हुई है, 3 तेरा 3 मेरा। इसके बाद रमेश सच धज कर पैसे लेने पहुंचा और जैसे ही उसने वो वीडियो दी, सामने टीवी पर ताजा खबर आ रही है उसी वीडियो पे। ये देखकर रमेश के तो होश उड़ गए।
लक्ष्मी आते ही हाथ से निकल गई। फोन करने पे दूसरी तरफ से बाबू बोला, अरे तूने तो 6,000 की बात तय की थी, यहाँ न्यूज चैनल वाले ने 7,000 में बात नक्की की है, आजा आज की दारू पार्टी मेरी तरफ से। रमेश से पैसे तो वापस लिए ही साथ उसे काफी मार भी पड़ी। यहाँ रायता इतना फैल चुका है कि पिज्जा के मैनेजमेंट के सर पर हाथ पड़ गया। खबर आग की तरह फैल रही है। दो झुक्की झोपड़ी के बच्चे मुनासिब पैसे लेकर पिज्जा खरीदने गए, लेकिन उन्हें थप्पड़ मार कर वहाँ से भगा दिया गया। आखिर क्यों? इस पिज्जा शॉप के शहर भर में कई दुकानें हैं। तभी वही डिलीवरी बॉय ने वो खबर देखी और उनके पास आकर उसने बताया कि वो उन बच्चों को जानता है। तुरंत मैनेजर के साथ उसे बच्चों को लाने के लिए भेजा गया। यहाँ अब तक उस इलाके के मंत्री के कान में भी ये बात पड़ चुकी है। झुक्की झोपड़ी के लोग उसकी तो जरूर सुनेंगे। मालिक ने मंत्री को फोन लगाया। एक तरफ मंत्री उनसे कह रहा है कि वो पिज्जा वालों के साथ है, बस पैसों का इंतजाम करते। दूसरी तरफ झोपड़ी वालों से कह रहा है कि वो उनके साथ है और उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहा है। इधर आधी दुनिया को ये खबर पता चल चुकी है, लेकिन पेरिया, चन्ना या उसकी माँ को कुछ मालूम ही नहीं। घर पे टीवी खोलते ही जैसे ही बच्चों ने खुद को टीवी पर देखा वो डर गए, ये सोचकर कि उनसे कोई बड़ी भूल हो गई है, तभी तो टीवी पर उनको दिखाया जा रहा है, और डर कर घर से भाग गए। रमेश और बाबू ने आकर उनकी माँ को पिज्जा स्पॉट के थप्पड़ वाली बात बताई। बच्चों को घर में ना देख उन्हें ढूंढने को निकल पड़ी। यहाँ पिज्जा दुकान के मालिक ने पुलिस को भी उन बच्चों को लाने भेजा है। अब मंत्री ने उनकी माँ को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे पति और बच्चों के बारे में सब जानता हूँ, उनकी कोई गलती नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा और तुम्हारे पति को भी जेल से छुड़वा दूंगा, बस बच्चे जैसे ही घर लौटे उन्हें सीधा मेरे पास ले आना। सबको अपनी अपनी पड़ी है। सुबह से शाम हो आई, उन दो भाइयों का कहीं कोई अता पता नहीं, ना जाने कहां डर कर छुप कर बैठे हैं। पूरी रात उनकी माँ चौखट पे बैठे उनका इंतजार करती रही। सुबह पुलिस उनकी माँ को लेकर बच्चे को ढूंढने निकली। बच्चे पुलिस देखकर भागने ही वाले थे कि माँ की आवाज सुन लौट आए। माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। उसे बहुत दुख हुआ कि उनके बच्चे को दुनिया के सामने मार खाते हुए दिखाया जा रहा है। पुलिस सबको लेकर पिज्जा के दुकान पहुंची, वहाँ पूरी मीडिया खड़ी है। दुकान का मालिक खुद उन्हें अंदर लेकर गया और बताया कि उस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसने एक गरीब बच्चे का अपमान किया है। उसने सबके सामने माफी मांगी। ये सब साफ है, मालिक अपने दुकान के बदनामी को होने से रोकने के लिए कर रहा है। अब यहाँ जब बच्चों के सामने पिज्जा लगाया गया उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। माँ और बाकी बच्चे उन्हें बाहर कांच के उस पार से देखकर खुश हो रहे हैं। पर ये क्या, पिज्जा का पहला निवाला मुंह में लेते ही उन्हें उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा और बोल पड़े, इससे अच्छा तो दादी का डोसा वाला पिज्जा था। पिज्जा को वही छोड़ दोनों भाई मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चले गए और कहानी यही खत्म हो जाती है। अक्सर बड़े होने की होड़ में हम अपना बचपना गवा देते हैं, ना दिल खोलकर हंसते हैं, ना आसमान से ऊंचे सपने देखते हैं, ना अड़ जाते हैं किसी चीज के पीछे। तब डर नहीं लगता था, दुनिया में बड़े होते होते हमने डरना सीख लिया। कहीं हार जाने का डर कि लोग क्या कहेंगे, कहीं गिर पड़ने का डर कि लोग हंसेंगे। इसीलिए तो कहती हूँ, बच्चा बने रहना हर किसी बड़े की बस की बात नहीं। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।